देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। क्या सच में बिलीव रखना आसान होता है कि नहीं, वो भी ऐसे सिचुएशन में? या फिर बिलीव का आप लोगों को भी इम्पोर्टेंस कन्विंस करना, वो भी इम्पोर्टेंट लगता है कि नहीं? कन्फ्यूजिंग ना? दिस वीडियो इज टू रिलेट वर्ड बिलीव विद दिस सिचुएशन ऑफ मी एज अ क्रिएटर। बट मुझे अचानक बिलीव और ये टाइम को रिलेट करने की क्यों ज़रूरत लगी? माई फ्रेंड अपलोडेड हिज वीडियो वॉट रियली मैटर्स इन लॉकडाउन। उसमें मुझे स्पेशली ओपिनियन वाला पार्ट इंटरेस्टिंग लगा। वही देखकर दूसरे दिन मैं भी वैसे ही करने गया, बट मैं उधर फेल हो गया बिकॉज आई एम नॉट दैट गुड टू एक्सप्लेन पीपल वॉट एग्जैक्टली आई एम थिंकिंग। देन आई थॉट जो मैं फील कर रहा हूँ वो ही करूँ। फिर मैंने किया रिसर्च, हाउ कैन आई रिलेट वर्ड बिलीव विद दिस सिचुएशन विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से बिलीव रखना है या नहीं वो समझ में आएगा। रिसर्च में ये भी पता चला कि और भी लोग हैं जो ऐसे टाइम में भी पॉजिटिव बिलीव करते हो। वेट, लेट मी पुट इन दिस वे। बिलीव करने से उनके विल पावर को एक सपोर्ट मिलता हो, और रही बात ये लोगों के भी, तो आज भी रोज वो लोग बिलीव करते होंगे कि आज से कल बेटर होगा। ये छोटे से रिसर्च ने मुझे इतना समझ में आया कि मैं बिलीव वर्ड को ये टाइम के साथ रिलेट कर सकता हूँ। आकाशात उंच उडणारे विमान सुद्धा आज एका ठिकाणी उभे आहेत। रोज आपल्या गाडीला तासनतास ट्रॅफिक मध्ये राहायचीच सवय झाली होती, पण तीही आता बिल्डिंग खालतीच उभी आहे। रोज फक्त खिडक्या उघडायला किंवा बंद करणारा मी आज खिडक्या उघड्या ठेवून करोना वॉरियर्स यांना प्रोत्साहन देतोय। टायर किंवा ठाया वाजवून, दिवे किंवा कापूर पेटवून, 10 मिनिटं का होईना तेवढं तरी करूच शकतो। क्वारंटाईन हा शब्द पहिल्यांदा तेव्हाच ऐकला जेव्हा स्वतःच क्वारंटाईनमध्ये आपल्या घरी बंद होतो। घरची आणि घरातल्यांची खरी किंमत ह्या लॉकडाऊननेच शिकवली। आपल्या कामासाठी नेहमीच बाहेर वेळ काढणारे आपण आज घरातच घरातल्यांसोबत आहोत या कठीण परिस्थितीत। ह्या जगाने खूप युद्ध बघितले, ज्यामध्ये माणसाने माणसाविरुद्ध खूप लढले, पण हा असा पहिला युद्ध असेल त्यात सगळी माणसं एका बाजूला, दुसऱ्या बाजूला असा एक शत्रू जो न दिसता आपल्याला संपवू शकतो। आणि या शत्रूशी लढायचा एकच उपाय म्हणजेच आपापल्या घरी बसणे। पण ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये मला जगात कुठल्या गोष्टीने ठेवलं असेल तर विश्वास, बिलीव, मानणं। जरी भाषा वेगळ्या असल्या तरी अर्थ तोच राहतो। आपल्या आयुष्यात खूप चांगले दिवस आले आणि गेलेही, तसंच हाही दिवस जाईल, फक्त वेळ द्या, मग बघा हा दिवस लांब नसणार। दिस व्हिडिओ